हाय एवरीवन, माय सेल्फ नारायण सर फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सेकेंड पार्ट का चल रहा है, तो चैप्टर नंबर 10 में आज हम बात करेंगे जिस पॉइंट पर, वो है आपका पार्ट थर्ड, लेक्चर थर्ड में। पहले में डिवीजन बताया, सेकंड में नॉमेनक्लेचर बताया, आइसोमेरिज्म, एंड थर्ड लेक्चर अब आप जो चलने जा रहा है उसमें हम अबाउट द पढ़ेंगे किसके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो आरिन। तो प्रिपरेशन की बात करें हम, तो मैं राइट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। पहले हम टेबल बनाएंगे इसके लिए। नाउ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो आरिन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो आरिन, क्लियर। तो हेलो अल्केन एंड हेलो आरिन की बात करूँ यहाँ पाऊँ, तो प्रिपरेशन के लिए कितनी मेथड यूटिलाइज करेंगे, पहले हम टेबल ड्रॉ कर देते हैं जिससे आपको आइडियाज रहे कि हमें इतनी पॉइंट्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर रहे। तो मैंने पहला राइट कर दिया फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा राइट कर दिया फ्रॉम BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लियर। सो पॉइंट को थोड़ा और लेंदी लेते हैं आपको, राइट फ्रॉम एल्कोहल फ्रॉम BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, थर्ड है हैलाइड एक्सचेंज मेथड, फोर्थ है हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, एंड फिफ्थ जहाँ पर हम पढ़ेंगे दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, जिसमें हमारा आएगा हंस डीकर एंड रासिक प्रोसेस। तो ये चार हमें मेन पढ़ने हैं आपको, इसमें भी कितने हैं देखो, 1 2 3 मेन तीन हैं, और हम रेड फास्फोरस का भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी बना सकते हैं, तो बट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे 1 2 3। अब इसमें बात करें तो बाय रिएक्शन विथ HX हैलोजन एसिड, बाय रिएक्शन विथ PX3 एंड PX5 फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड्स, एंड नेक्स्ट है जो यहाँ पर बाय रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड एसोसिएट फ्रॉम BDC। BDC में बात करें तो कितने रिएक्शन होंगे, BDC में होगा यहाँ पर सेंड में आ सैन मेयर रिएक्शन से होगा, दूसरा होगा गेटरमैन रिएक्शन, थर्ड होगा सैन मेयर रिएक्शन हो गया, गेटरमैन रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद KI, नंबर 4 वॉली फॉर फ्लोरोबेंजीन, BDC का रिएक्शन होगा क्या, यानी BF4 RHBF4, क्लियर। तो हम सैंड मेयर गेटरमैन KI और NABF फ्लोरो अल्केन आइडो अल्केन सॉरी आरिन गेटरमैन सैंड मेयर से बना सकते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा जाएंगे हैलाइड एक्सचेंज में, तो हमारे पास दो रिएक्शन होंगे जिसे प्रिपरेशन करेंगे, हेलो अल्केन के लिए आएगा ये हेलो आरिन के लिए आएगा ओनली। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर एक रिएक्शन है आपका फिंकल स्टीन रिएक्शन,
और दूसरा है स्वार्ट्स रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन में तीन आएंगे फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम आरीन हाइड्रोकार्बन। सो दैट इज द नंबर ऑफ मेथड दैट यूटिलाइज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो आरीन। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को डिस्कशन करेंगे इस पर, तो क्या क्या आते हैं और सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी मेथड हैं रिएक्शन भी, जैसे लाइक आयोडीन रेड फास्फोरस का, बट वो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको नहीं है। सो ये हो गया टोटल प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो आरीन। अब वन बाय वन स्टूडेंट उठाते हैं और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्लियर। सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो आरीन के लिए ये पॉइंट्स हो गया, टेबल टोटल हमने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। एंड देन आफ्टर अब बात करेंगे हम, पहले पॉइंट्स पर आता हूँ मैं। पहला डिवीजन जो हमारा था वो था फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल में अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो अल्कोहल में पहला था बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड का मीनिंग क्या होता है आपको इस पॉइंट को देखें हम, तो बाय रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, तो अल्कोहल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जितने भी अल्कोहल होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी टर्शियरी, हैलोजन एसिड सीक्रेट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्लियर, प्रोड्यूस हेलो अल्केन बाय रिमूवल ऑफ वाटर, क्लियर। दिस इज कॉल्ड ग्रोव्स प्रोसेस। इस तरह आपको प्रिपरेशन को हम वर्ड क्या देते हैं, ग्रो प्रोसेस, ये ग्रो प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स की, तो ग्रो प्रोसेस हो गया ये, देन आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आर ओ एच प्लस एच एक्स इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड किस फॉर्म में होगा, एनहाइड्रस। इसके रिएक्शन के बाद ही बनेगा आर एच प्लस एच टू, यहाँ पर ओ एच पार्ट एच से रिएक्ट करेगा, एक्स अटैच करेगा अल्काइल ग्रुप पर, और ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड। अब स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड हो गया, तो मैं आपको एक रियल रिएक्शन राइट करके दिखा देता हूँ, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, कंपाउंड का नेम क्या है, इथेनॉल। और यहाँ रिएक्शन किससे कर रहा है, एच सी एल से कॉन्सेंट्रेट हो गया, और यहाँ पर एनहाइड्रस हमने क्या ले लिया, जिंक क्लोराइड। रिएक्शन के बाद एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसा है स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एल प्लस एच टू ओ, दैट इज क्लोरो इथेन, क्लियर, क्लोरो इथेन बन गया। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग
एजेंट, क्या बोलते इसको हम, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स बोलते हैं। एंड मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट्स। लुकास रिएजेंट्स बोलते हैं, बोलते क्या, लुकास रिएजेंट्स यूज फॉर, लुकास रिएजेंट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 degree, 2 degree एंड 3 degree एल्कोहल इन लैब, दैट इज कॉल्ड लुकास टेस्ट। इस पॉइंट को हम लोग एल्कोहल की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ने वाले डिटेल में, तो मैं आपको यहीं पर बता दूं, वहाँ मैकेनिज्म से बढ़ेगा। सो लुकास टेस्ट है क्या फिर, देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर ये तीनों अल्कोहल ले लिया, तीनों अल्कोहल मतलब 1 degree, 2 degree एंड 3 degree, अगर 1, 2 degree का नहीं मतलब समझते तो समझ लो जैसे ये हो गया कैसा प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इसी में ये ले लिया कैसा सेकेंडरी हो गया, इसी में ये ले लिया मतलब टर्सरी, मतलब वो ये टर्सरी कार्बन से टर्सरी सेकेंडरी है तो ये प्राइमरी हो गया 2 degree और 3 degree, ये तीनों टाइप के अल्कोहल कोई भी कितने भी कार्बन का हमने इस बेसन में रख दिया, अल्कोहल है तो उनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होने वाली है। अब इस फेज में जब इसके अंदर हमने ऐड क्या किया, लुकास रिएजेंट्स, अब लुकास रिएजेंट जब ऐड किया तो यहाँ से बना क्या, यहाँ से तीन केसेस आने वाले हैं। अगर ऐड करने के बाद इमीजिएटली ऑयली लेयर बने तो दैट्स इंडिकेट 3rd degree अल्कोहल, अगर ऑयली लेयर बने तो हम उसे क्या बोलेंगे, 3rd degree अल्कोहल, क्लियर। अगर सॉल्यूशन आफ्टर 5 to 10 minutes में सॉल्यूशन मिल्की हो गया और क्लाउडी तो समझ लेना 2 degree अल्कोहल भी है इसके अंदर, और 10 minutes मैं आपको बता दूं कि आफ्टर 10 minutes अगर सॉल्यूशन 18 minutes के बाद भी सॉल्यूशन कैसा है, क्लियर है, तो ये डिग्री है कौन सा, 1 degree अल्कोहल। यहाँ से एक चीज़ ये पता चल गई कि जो अल्कोहल का रिएक्टिव ऑर्डर है टूवर्ड द हैलोजन वो किस ऑर्डर में है, यही से पता चल जा रहा है क्या होगा, तो हम राइट कर सकते हैं नाउ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इज 3 degrees ग्रेटर देन 2 degrees ग्रेटर देन 1 degree एंड ग्रेटर देन 2 degree। अगर ये है तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो हैलोजन एसिड है वो भी तो 4 टाइप के होते हैं, तो उनका अगर मैं यही चीज़ क्या करूँ, ये 4 हैलोजन एसिड रख लूँ, क्योंकि हमारे पास HX के ऑर्डर क्या है, HI है, HBr है, HCl है और HF है, कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ही हो गया, मतलब चारों हैलोजन एसिड में हम कोई एक अल्कोहल डालें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो सबसे पहले रिएक्ट कौन करेगा, HI करेगा, वही वाटर रीजन कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का एसिड है तो ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज आप एटम बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन और एटम में इंक्रीज होता है, तो वाटर में डालेंगे तो सबसे पहले H+ कौन देगा, HI, इसलिए इनका एसिडिक ऑर्डर अगर हम देखें तो इस ऑर्डर में जाने वाला है, क्लियर, तो इस पॉइंट पे जाने वाला है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे, हमारा रिएक्टिव ऑर्डर अब ये हो गया, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट, और मैं आपको क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन में हम हेलो एल्केन तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट लिमिटेशन क्या है फ्रॉम एल्कोहल में, पहला रिएक्शन भी हैलोजन एसिड में, अगर इसकी बात करूँ मैं तो लिमिटेशन मतलब अल्कोहल की जगह हमें फिनॉल लेना हो और इसमें HCl डालूँ
राइट, ZnCl2 डालूं एनहाइड्रस, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे नो रिएक्शन लिखना पड़ता है। वाई, व्हाट रीजन, क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना फिनॉल, बोलते कि फिनॉल से हम क्या नहीं बना सकते, हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन नहीं बना सकते, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है बट एट दिस टेम्परेचर जिस पे अल्कोहल रिएक्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी, उस पर नहीं है। वाई, व्हाट रीजन? सो बेटा मैं आपको बता दूं, इसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, फिनॉल रेजोनेंस की वजह से इसमें ओ और ओ एच के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। व्हाट इज दैट बेटा? यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड अल्कोहल जो होते हैं नॉर्मली हेलो एल्केन, उनके बीच में कोई रेजोनेंस नहीं होती, उनका कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट से रिएक्शन है तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, कम एनर्जी चाहिए, तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता। उसी टेम्परेचर पर हेलोरिन रिएक्शन नहीं देता, नो रिएक्शन, उसका रीजन है ड्यू टू द व्हाट इज रेजोनेंस, ऑक्सीजन कार्बन इन फिनॉल हैज डबल बॉन्ड, राइट? सो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग। सो दैट्स क्लियर है। अगर हम इसको देखें तो रेजोनेंस की वजह से ये टोटल कितने रेजोनेंस बनाता है, 5। तो ये रेजोनेंस की वजह से इसमें जो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है, और उस नॉर्मल टेम्परेचर पर जिस पर अल्कोहल हैलोजन एसिड से रिएक्ट करके अल्कोहल देता है, मतलब हैलो एल्केन देता है, उस पर ये नहीं देता। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड, बाय रिएक्शन विथ, क्लियर, PCl3 एंड PCl5। चलो यहाँ PbR3 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि यही रखना है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं ROH, अगर अल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हो तो, अगर आप PCl3 ले रहे हो तो थ्राइस टाइम यहाँ पर लोगे। चलो ये PX3 ले रहे हैं हम, तो थ्राइस RH प्लस H3PO3, दैट कंपाउंड नेम इज फास्फोरस एसिड। मतलब अब आप R की वैल्यू मिथाइल इथाइल लेकर और X की वैल्यू क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लेकर आप कंपाउंड बना सकते हो। क्लियर? यहाँ पर RH आपको चेंज करना है। सेकेंड इसी में है, जब अल्कोहल का रिएक्शन हम PX5 से कराएंगे, PX5 से कराएंगे, लाइट वार्म करेंगे तो बनेगा क्या, RX प्लस POX3 प्लस HX, इसका नेम आया फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड। फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड मतलब अब यहाँ पर वापस हुई, अगर मैं एक रिएक्शन राइट कर दूं यहाँ पर, ये PCl5 है और ये रिएक्शन है आपका CH3CH2OH, और रिएक्शन के बाद ये बनाएगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ऐसे आप बदलते जाओ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट्स ऑल। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन फ्रॉम वेयर, अल्कोहल। तीसरा है जिसे वर्ड देते हैं हम डार्जेन प्रोसेस, एनसीईआरटी में नेम नहीं दिया है, मतलब बाय रिएक्शन विद थियोनाइल या थायोनाइल क्लोराइड। ओके, तो अल्कोहल बाय रिफ्लक्स विथ SOCl2 गेट्स
हेलो अल्केन, इससे हम हेलोरिन भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ रखे आर ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू, कैटलिस्ट कौन है? पायरिडीन। पायरिडीन क्या है? एक बेस है जिसका फॉर्मूला सी फाइव एच एन है। अब ये एक बेस कैटलिस्ट है और इसका रिएक्शन होगा आर सी एल प्लस एस ओ टू प्लस एस सी एल। अब आर ओ एच पायरिडीन बेस है, एस ओ सी एल टू हो गया। इसके लिए हम हेलोरिन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, करते ही हैं। एस ओ सी एल टू, अगर हम फिनॉल ले लेते हैं यहाँ पर तो यही कैटलिस्ट होगा और बनेगा क्या यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन प्लस एस ओ टू प्लस एस सी एल, दैट्स ऑल। सो यहाँ पर पॉइंट्स जो है हम बना सकते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू आप चेंज करते जाओ और कंपाउंड बनता जाएगा। सो ये पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट। अबाउट द बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम व्हाट इज एल्कोहल। एल्कोहल में और भी रिएक्शंस हैं बट हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं स्टूडेंट। तो जो पॉइंट्स हमारा है ये रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम बी डी सी, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अकॉर्डिंग टू जो टेबल हमने ड्रॉ किया है। सो स्टूडेंट बात कर रहा था मैं बी डी सी की। तो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है ये हेलोरिन के लिए यूटिलाइज करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ किसका? बी डी सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो फ्रॉम दूसरा है बी डी सी, क्या होगा? बी डी सी फुल फॉर्म है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या पॉइंट्स होंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के पॉइंट्स देखें यहाँ पर। तो बेडीसी से हमने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए आपको, बट उसके लिए हम बात करेंगे वन बाय वन। देखो तो बेडीसी जो कंपाउंड हो अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पर, देखा जाए उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है। इसलिए पहला वर्क है हम बात करेंगे डाइजोटाइजेशन की। डाइजोटाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, बराबर। डाइजोटाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है और ये डाइजोटाइजेशन जो केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर उसकी बात मैं करूँ तो पहले इसके लिए हम एरोमेटिक अमाइन एनिलीन लेते हैं, एनिलीन, बराबर। इसका रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं? सोडियम नाइट्राइड प्लस ट्वाइस एस सी एल से। रिएक्शन जो होता है एट वेरी लो टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन पर। सो एरोमेटिक अमाइन एनिलीन नाउ रिएक्ट विद द मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट वेरी लो टेम्परेचर 273 to 278 प्रोड्यूस अनस्टेबल सॉल्ट इज कॉल्ड बी डी सी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड दिस रिएक्शन और दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डी सी इज कॉल्ड फ्रॉम एरोमेटिक अमाइन इज कॉल्ड डाइजोटाइजेशन। मैं बोल रहा हूँ आपको राइट करना है इसको स्टूडेंट। इसी रिएक्शन का नेम डाइजोटाइजेशन है और यहाँ बाई प्रोडक्ट में आपको देखेंगे तो एन ए सी एल आपको एलिमिनेट हो जाएगा। आपका यहाँ पर एन एन ओ टू है तो हम बात करेंगे कि एच टू ओ भी निकल जाएगा, बराबर। सो ये पॉइंट्स हो गया आपका बी डी सी। क्या फुल फॉर्म है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये स्टेबल कब है? मतलब ये टेम्परेचर बता रहा है कि 0 to 5 degrees Celsius, इससे ऊपर एक्सप्लोजिव है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि फिर प्रिपरेशन क्या है। जो पहला रिएक्शन है वो है सैंड मेयर रिएक्शन। अब सैंड मेयर रिएक्शन क्या होता है? बोलते क्या है कि बी डी सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड एट वेरी लो टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड देखो एन टू प्लस सी एल माइनस। नाउ रिएक्ट विद, पहले एक नॉर्मल रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एच एक्स एसिड हो गया,
और टेम्परेचर हो गया क्यूप्रस हैलाइड, टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन स्टूडेंट। और इस टेम्परेचर पर अभी बनेगा क्या एक्स, इससे आपको क्लियर हो जाएगा ये आपका कंपाउंड है हेलोअरिन। और यहाँ पर जो कंपाउंड ये बनेगा वो बनेगा ए एस सी एल प्लस एन टू। आप समझ गए होंगे कि इस आने वाले एसिड का हेलोजन कहाँ जाने वाला है, इस पर। मैं वंस अगेन मैं डेफिनेशन राइट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आप राइट करेंगे स्टूडेंट क्या, बी डी सी बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड क्लोराइड रिएक्ट विद, अब बी डी सी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये फिक्स कर दिया हमने, रिएक्ट विद द हैलोजन एसिड। अच्छा एच एक्स भी कौन कौन सा है, एच एक्स में भी सिर्फ हम एस सी एल और एच बी आर ही लेंगे। रिएक्ट विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड एट दिस टेम्परेचर प्रोड्यूस हैलोरिन, इट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में ध्यान रखना है एक्स की वैल्यू अगर यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ ब्रोमीन होगी, मतलब सैंडमेयर रिएक्शन से हैलोरिन बनाना है तो हम राइट करेंगे एन टू प्लस सी एल माइनस। और यहाँ पर ए बी डी सी हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया बी डी सी। अब इसका हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, रियल इक्वेशन जो होगा दोनों के लिए टेम्परेचर है 273 केल्विन टू 278 केल्विन। हमने कैटलिस्ट यहाँ पर रिएक्टेंट लिया एच सी एल तो कैटलिस्ट होगा सी यू सी एल, अगर हमने लिया रिएक्टेंट एच बी आर तो कैटलिस्ट होगा सी यू बी आर या सी टू बी आर टू लो, मतलब एक ही है क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड है। सो स्टूडेंट आपको पता आने वाले हैलोजन का यहाँ पर जाएगा बेंजीन पर, और ये पॉइंट्स हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस एन टू प्लस एस सी एल। बोलोगे सर एस सी एल डाला एस सी एल निकला, मतलब बेटा इसका हैलोजन यहाँ जाएगा, ये हैलोजन इससे रेड करके बाई प्रोडक्ट निकालेगा। जैसे देखो यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा ब्रोमो बेंजीन प्लस क्या लिखेंगे एन टू प्लस क्या होगा एस सी एल। सो ये कंपाउंड है क्लोरो बेंजीन और ये है दूसरा है आपका क्या ब्रोमो बेंजीन, तो दो कंपाउंड हो गया क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमो बेंजीन। अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं, तो बी डी सी से पहला है कौन सा सैंडमेयर था, इसी में दूसरा राइट करेंगे अब जिस रिएक्शन से बनाएंगे वो है गेटरमैन रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन क्या है, बस अपने को यही रिएक्शन है, बस हमें यहाँ बढ़ाना है कॉपर पाउडर। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे राइट करेंगे कॉपर पाउडर, यहाँ पर भी राइट करेंगे कॉपर पाउडर, हो गया। मतलब सैंडमेयर और गेटरमैन में सिर्फ डिफरेंस किसका है, कैटलिस्ट का। सैंडमेयर में हम क्यूप्रस हैलाइड क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले रहे हैं, इसमें कॉपर पाउडर ले रहे हैं, तो ये भी इम्प्लाइज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन बाय गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट। सो गेटरमैन के बाद अब टू रिएक्शंस हो गए फ्रॉम बी डी सी प्रिपरेशन में, गेटरमैन और सैंडमेयर। तो इनके बाद अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो जिससे प्रिपेयर करना है वो दो रिएक्शन और है, क्या क्या है, एक तीसरा रिएक्शन है फ्रॉम के आई पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड से भी हम बनाते हैं क्या इसको, तो पोटेशियम आयोडाइड क्या है इसके लिए देखो बोलते क्या, इट इज अ बेस्ट मेथड, इट इज अ बेस्ट मेथड for preparation of iodobenzene, मतलब आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्या करते हैं हम सिंपल सा, बी डी सी लेते हैं एन टू प्लस सी एल माइनस और इसका रिएक्शन करा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, सीधा रिफ्लेक्स होता है क्या आयोडोबेंजीन बनता है प्लस एन टू बनता है प्लस के सी एल दैट आयोडोबेंजीन। क्लियर, ये आयोडोबेंजीन हो गया रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे
लास्ट फ्लोरो बेंजीन बनाने के लिए नंबर 4। तो फ्रॉम SbF4 आर यानी आप राइट करेंगे BF4, दोनों से बना सकते हैं। होता क्या है इस मेथड में स्टूडेंट, हम लेते हैं डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। डाइजोनियम क्लोराइड लेने के बाद हम इसका रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? इसका रिएक्शन कराते हैं विद यानी BF4। क्लियर? और प्रोसेस का नेम है बल्ज इसकी मैन रिएक्शन। और इसके बाद ये बन जाता है क्या, यहाँ पर BF4 अनस्टेबल फेज में बनता है। और इसके बाद ये निकल जाता है क्या, NaCl+N2। अगले स्टेप में ये डिकम्पोज होकर बनाता है क्या, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3। तो दैट इज द नंबर ऑफ मेथड दैट यूटिलाइज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो आरिन, और पहला था फ्रॉम एल्कोहल। अब नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे जिसमें हमें बचे हुए पॉइंट्स जो हैं आपने देखा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन है एंड हैलाइड एक्सचेंज मेथड है एंड लास्ट इज टू एक्स्ट्रा है हंस डीकर एंड हंस डीकर एंड रासिक प्रोसेस। सो स्टूडेंट, बट आप इतना केयर करेंगे इतने मेथड के लिए आप, ओके? सो इन पॉइंट्स के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जिस पर हमारा डिस्कशन चलेगा वो अगर अगले प्रिपरेशन। सो स्टूडेंट, आज इस पार्ट लेक्चर 3 में बस इतना ही कवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 4 में रिमेनिंग प्रिपरेशन एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोकेन हैलोरिन्स पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, राइट? थैंक यू स्टूडेंट।